नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह एनके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2020। आज की करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नैसकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर एक है के मंगलम, ऑप्शन नंबर दो है रेखा एम मेनन, ऑप्शन नंबर तीन है देवयानी घोष और ऑप्शन नंबर चार है यूबी प्रवीण राय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यूबी प्रवीण राय, ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नैसकॉम एक ट्रेड एसोसिएशन है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। और इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूपी नोएडा में स्थित है। के मंगलम, रेखा एम मेनन नैसकॉम की वो डिप्टी हेड है और देवयानी घोष ये नैसकॉम की हेड है। यूबी प्रवीण राय को नैसकॉम का चेयरमैन चुना गया है। नैसकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नैसकॉम की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1988 और इसका ऑफिस यूपी होडा, हेडक्वार्टर यूपी नोएडा में स्थित है। रेखा एम मेनन नैसकॉम की डिप्टी हेड है, देवयानी घोष नैसकॉम की हेड है और यूबी प्रवीण राय को नैसकॉम का नया चेयरमैन चुना गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व पीएम महमूद जिब्रिल का निधन हुआ है? इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर एक है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर दो है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर तीन है इराक और ऑप्शन नंबर चार है लीबिया। दोस्तों, हाल ही में लीबिया के, यानी इसका ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा, लीबिया के पूर्व पीएम महमूद जिब्रिल का निधन हुआ है। इनका निधन कोरोना वायरस बीमारी के कारण हुआ है। दोस्तों, बात आती है लीबिया की। तो लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली, यहाँ के पीएम है फैज अल सराज और यहाँ की करेंसी है लीबियन दिनार। यहाँ की कैपिटल है ट्रिपोली। यहाँ के पीएम है, लीबिया के पीएम है फैज अल सराज और लीबिया की करेंसी है लीबियन दिनार। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटानिया ने जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों, इसके चार ऑप्शन हैं। नंबर एक ऑप्शन है अमेजन, नंबर दो ऑप्शन है डुंजू, नंबर तीन ऑप्शन रिलायंस और नंबर चार ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, डुंजो। डुंजो जो कि ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी है, इसने हाल ही में ब्रिटेनिया के साथ वस्तुओं की डिलीवरी के लिए समझौता किया है। दोस्तों बात आती है डुंजो की, तो डुंजो के बारे में आपको कुछ बता दें जरूरी बातें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, डुंजो। डुंजो का मुख्यालय बेंगलोर में है, बेंगलोर में है। डुंजो की स्थापना 2014 में हुई थी और इसके चेयरमैन हैं, डुंजो के चेयरमैन हैं अभिषेक वेंकटेश्वरा। दोस्तों अभी वर्तमान में डुंजो पूरे देश में 9 शहरों में ऑनलाइन डिलीवरी करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने कब तक चांद में मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है। इसके चार ऑप्शन हैं, 2021, 2024, ऑप्शन नंबर तीन है 2022 और ऑप्शन नंबर चार है 2025। दोस्तों हाल ही में नासा ने चांद में मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा 2024 में की है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2024, यानी 2024 में नासा अपना मानवीय बेस कैंप नासा में स्थापित कर देगा चांद में। दोस्तों जो आर्टेमिस नाम का मानवीय बेस है, कैंप है, जो चांद के दक्षिण ध्रुव में स्थापित होगा, साउथ पोल में स्थापित होगा और इसका नाम है आर्टेमिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर दो है 6 अप्रैल, ऑप्शन नंबर तीन है 5 अप्रैल और ऑप्शन नंबर चार है 8 अप्रैल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का प्रायोजनकर्ता कौन है दोस्तों, WHO है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो मनाया जाता है उसका प्रायोजन करता है WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 2020 की जो थीम है WHO की, वो है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइस। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जो कि स्विट्जरलैंड में है। फिलहाल WHO से 194 कंट्री एड है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हैक द क्राइसिस नामक
हैकाथन लॉन्च की है। इसके चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर एक अमेरिका, ऑप्शन नंबर दो है चीन, ऑप्शन नंबर तीन है भारत और ऑप्शन नंबर है चार है फ्रांस। दोस्तों हाल ही में भारत ने हैक द क्राइसिस नामक हैकाथन लॉन्च की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार तीन भारत। कोविड 19 से समाधान खोजने के लिए केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने हैक द क्राइसिस नामक हैकाथन लॉन्च की है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज करने का निर्णय लिया है। इसके चार ऑप्शन है, PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन नंबर दो है समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर तीन है आयुष्मान भारत योजना और ऑप्शन नंबर चार है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना मरीजों को मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है। बात आती है आयुष्मान भारत योजना की, तो आयुष्मान भारत योजना भारत में श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, कोरोना की रोकथाम के लिए किस राज्य की सरकार ने 5T प्लान पेश किया है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है दिल्ली, दो है राजस्थान, तीन है UP और चार है MP। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए 5T प्लान पेश किया है। दोस्तों 5T का मतलब क्या होता है जान लीजिए। 5T मतलब 5 T। T1 का क्या मतलब होता है, जो नंबर एक T है, 5 T, 1, 2, 3, 4, 5। T1 का मतलब क्या है, T1 का मतलब है टेस्टिंग। T2 का मतलब क्या है, ट्रैकिंग। T3 का मतलब क्या है, ट्रीटमेंट। T4 का मतलब क्या है, टीम वर्क। और T5 का मतलब क्या है, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए 5T प्लान पेश किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है इंटरनेशनल वुमानी डे, इंटरनेशनल रुमानी डे, ऑप्शन नंबर दो है इंटरनेशनल मैन डे, ऑप्शन नंबर तीन है इंटरनेशनल वुमेन डे और ऑप्शन नंबर चार है इंटरनेशनल साइंस डे। दोस्तों विश्वभर में 8 अप्रैल को इंटरनेशनल रुमानी डे मनाया जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक इंटरनेशनल रुमानी डे। रुमानी का मतलब क्या होता है दोस्तों, रुमानी का मतलब होता है रोमानी संस्कृति को बढ़ावा देना और लोगों को जागरूक करना। मतलब रोमानी जो संस्कृत है, कल्चर है, उसको बढ़ावा देना और रोमानी जो लोग हैं उनको अवेयरनेस करना। दोस्तों इसमें इंटरनेशनल मैन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे और इंटरनेशनल साइंस डे कब कब मनाया जाता है वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल मैन डे है वो मनाया जाता है 19 नवंबर हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और इंटरनेशनल साइंस डे हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने कोरोना संकट के
बीच कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित किया है? दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है 5 साल, ऑप्शन नंबर दो है 3 साल, ऑप्शन नंबर 3 है 2 साल और ऑप्शन नंबर 4 है 1 साल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 साल। दोस्तों अभी हाल ही में कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच 2 साल के लिए देश के सभी सांसदों के सांसद निधि में जो फंड आता था उसको स्थगित कर दिया है। दोस्तों हर सांसद को हर साल सांसद निधि में लगभग 5 करोड़ रुपए जमा होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2 साल के अंदर लगभग 7900 यानी 7900 करोड़ सांसद निधि से कोरोना वायरस के में लगाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के इलाज में चिकित्सा अधिकारियों के इस्तेमाल में आने वाली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की 1.7 लाख किट किस देश से भारत को मिल गई है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर 2 है चीन, ऑप्शन नंबर 3 है USA और ऑप्शन नंबर 4 है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चीन। दोस्तों अभी हाल ही में कोविड-19 के इलाज में जो चिकित्सा अधिकारी हमारे रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चीन ने 1.7 लाख किट भारत को देने का फैसला लिया है। दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब होता है कि जो हमारे चिकित्सा अधिकारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक्विपमेंट यूज करते हैं। इसमें आ जाता है ग्लव्स, गूगल, मास्क, बॉडी प्रोटेक्टर, आदि आदि सामान जो कि चीन ने भारत को देने का निर्णय लिया है। दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे NK क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।